हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। सो आज के वीडियो में हम करेंगे एक यूटिलिटी को जिसका नाम है डिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है अगेन, और ये भी एक वन ऑफ द यूटिलिटी है जो कि एन्यूमरेशन में काम आती है, पता करने के कि होस्ट का लेट से आईपी एड्रेस क्या है और होस्ट के बारे में और चीज़ें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि डोमेन्स क्या होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है डोमेन्स की, क्यों यूज़ करते हैं हम डोमेन्स, क्योंकि हम आई पी एड्रेस रिमेंबर नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि यूआरएल कैसे आई पी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक यूआरएल कैसे आई पी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए एक सर्विस होती है विच इज़ डोमेन नेम सिस्टम, जिसको डीएनएस बोलते हैं। तो वो कन्वर्ट करता है आई पी एड्रेस को डीएनएस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब DNS क्या करता है, एक स्पेशल सर्वर को पूछता है कि भाई आईपी एड्रेस बताओ इस वेबसाइट का जो कि यूज़र एक्सेस करना चाहता है। तो लेट्स से हमने google.com को क्वेरी करा रिक्वेस्ट करने के लिए, हमने ब्राउज़र पर लिखा www.google.com, तो हमारा कंप्यूटर एक स्पेशल DNS सर्वर को भेजेगा, जो कि कंप्यूटर को आपको पहले ही पता होता है कि कौन से सर्वर को क्वेरी करना है। तो वो जो सर्वर होगा वो आईपी एड्रेस ढूंढेगा गूगल का और हमें भेजेगा। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो गूगल की सर्वर की आईपी को भेज देगा और हमें वो वेब पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, आपने रिक्वेस्ट करी एक वेबसाइट को, लेट्स से google.com ही है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले लोकल कैशे को चेक करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईपी एड्रेस जनरली क्या होता है कि स्टोर होती हैं वेबसाइट्स पर। जैसे google.com अगर आप पहली बार कर रहे हो तो टाइम ले सकता है, अगर आप दूसरी बार कर रहे हो तो फटाफट आपको वो दे देता है रिजल्ट, क्योंकि वो लोकल कैशे में स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो आईपी एड्रेस उसको नहीं मिला, तो कंप्यूटर एक रिकर्सिव डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये क्या होते हैं, ये सर्वर ये आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ही होते हैं। तो क्या होता है कि राउटर जो होता है ना आपका, उसके पास कई सारे रिकर्सिव डीएनएस सर्वर होते हैं, और जो ISPs भी होते हैं, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी अपने मेंटेन करते हैं रिकर्सिव सर्वर को। लेकिन जो कंपनीज होती हैं जैसे गूगल हो गया, ओपन डीएनएस हो गया, ये भी कंट्रोल करते हैं रिकर्सिव डीएनएस रिकर्सिव सर्वर्स को भी, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नोज वेयर टू सेंड दी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अगर आपकी वेबसाइट स्टोर नहीं है कैशे में, तो जो रिकर्सिव सर्वर होता है वो एक रूट नेम सर्वर को पास कर देता है रिक्वेस्ट। तो भाई रूट नेम सर्वर भी इम्पॉर्टेंट है। तो दुनिया में ना लगभग 13 रूट नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। जो रूट नेम सर्वर होते हैं वो ट्रैक करके रखते हैं जो भी DNS सर्वर्स हैं नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो किस रिक्वेस्ट किस सर्वर पर रिडायरेक्ट होगी वो आपके रूट नेम करते हैं, ओके। तो ये जो लोअर लेवल सर्वर होते हैं, मतलब जैसे लेवल वाइज लेवल होते हैं, जैसे ये लिखा है ना, देखो DNS सर्वर्स इन द नेक्स्ट लेवल डाउन, तो लेवल बाई लेवल होते हैं। तो जो लोअर लेवल वाले होते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, उनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। तो आप पढ़ सकते हैं, देखो वेबसाइट के आपके तीन ही पोर्शन होते हैं, जैसे www.google.com है या फिर https://google.com है। तो जो कॉम हो गया आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया। तो आप ये पढ़ लेना, ये काफ़ी अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, आप ट्राई हैकमी पे जाके पढ़ सकते हो। जिसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेबसाइट के देखो, अगर इसको मैं देखूँ तो तीन पोर्शन है, ये .uk डोमेन का है, .co है और BBC इसका नाम है, ठीक है। तो रूट नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे आपका रूट नेम हो गया .com हो गया ये, और ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं, ठीक है। When you visit a website in your web browser, this happens automatically, but we can also do it manually. हम ये सारा जो काम है ना, जो हमने ऊपर देखा है, ये डिक की कमांड से भी कर सकते हैं। इसका सिंपल सा आपका वो है सिंटेक्स, डिक स्पेस DNS, जो कि वेबसाइट का DNS है, @, अगर आपको DNS सर्वर पता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा आता है, देखो इतनी सारी इसमें चीज़ें आती हैं, हमें मतलब होता है जनरली आंसर सेक्शन से, ठीक है। और इसमें TTL भी देता है, विच इज़ टाइम टू लिव, कब तक ये रहेगी वैलिड, कब तक रहेगा जो रिकॉर्ड है वो कब तक वैलिड रहेगा, वो आपका TTL हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ DNS शॉर्ट फॉर, डोमेन नेम सिस्टम, टाइपो करेक्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ DNS सर्वर
योर कंप्यूटर वुड क्वेरी व्हेन यू सर्च फॉर अ डोमेन. सबसे पहला कौन सा सर्वर होता है? वो होता है रिकर्सिव आई बिलीव. यस. व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर कंटेन्स रिकॉर्ड स्पेसिफिक टू डोमेन एक्सटेंशन? अच्छा, यूज द लॉन्ग वर्जन ऑफ द नेम. चलो इसको देखते हैं. वेयर इज द वेरी फर्स्ट प्लेस योर कंप्यूटर वुड लुक टू फाइंड द आईपी एड्रेस? ये देखता है लोकल कैश में. ठीक है. इफ अ डीएनएस क्वेरी हैज अ टीटीएल ऑफ 24 आवर्स व्हाट नंबर वुड द डिग क्वेरी शो? देखो 24 आवर्स में है और डिग आपका जो टीटीएल भेजता है वो किस में भेजता है? सेकेंड्स में. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 24 आवर्स हैं, उसको एक आवर में कितनी मिनट होती हैं? 60. और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60. तो आ गया 86,400. ठीक है, ये भी हो गया है. What type of DNS server contains record specific to domain extension? Use the long version of name. Correct. So Google runs two public DNS servers. One of them can be queried via 8.8.8. What is the IP address of the other one? वो है 8.8.4.4. Submit. Correct. तो हमने कर लिया है dig command को complete. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. अगले वीडियो में हम करेंगे एनमैप को. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग. बाय बाय.